जिला प्रशासन का रवैया, महापड़ाव में जो किसान बैठे हैं इनके प्रति प्रशासन का रवैया बिल्कुल 100% नकारात्मक है। हमने पड़ाव डाला था, उस दौरान भी कहा था कि शौचालय की व्यवस्था हम चाहते हैं कि स्वस्था रहे, बावजूद इसके दो शौचालय, एक तो कल शाम को आया और एक आज आया है शाम को। मतलब प्रशासन चाहता है कि जानबूझ करके सीकर शहर में गंदगी फैले, जानबूझ करके किसान परेशान हो, न पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है और न सफाई की व्यवस्था है, न दवा छिड़कने की व्यवस्था है। कोई किसान बीमार हो गया तो न कोई मेडिसिन के लिए टेबलेट देने वाला, डॉक्टर की बात छोड़िए कोई कंपाउंडर भी नहीं है। इसलिए हमारा सीधा सीधा आरोप है कि वसुंधरा जी से जो लड़ाई है कर्जा माफी की, तो लड़ाई से पहले हमारे सीकर का जो प्रशासन है वो 100% नकारा साबित हो रहा है और बिल्कुल इनका नकारात्मक रवैया। ये भी बात सामने आई है कि कल आप जब कोर्ट पे गए थे कलेक्ट्रेट पे धरने के लिए, वहाँ भी आपने प्रशासन को चेताया था भाई इन आदमियों के लिए आप वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था करवाए। हमने जवाब दिया था खाटू में करके कलेक्टर को, सीकर के कलेक्टर को कहा था हमारी व्यवस्था और हमारी तरफ से राय भी दी थी, सुझाव भी दिया था कि खाटू श्याम जी में ये ट्रस्ट के नीचे जो शौचालय है वो यहाँ ले आए। कलेक्टर ने हाँ भी की थी, उसके बावजूद भी एक तो कल शाम को भेजा है, एक आज शाम को भेजा है और एक जो भर गया कल शाम को भेजा था वो भर गया, उसकी सफाई के लिए भी अभी तक तो आगा पीछा ही चल पा रहा है। नगर परिषद का कमिश्नर भी ठीक से नहीं कर रहा है, न प्रशासन का कोई अधिकारी कर रहा है।